joyful and colorful Holi. May this Holi brings lots of joy, lots of colors to your lives. चलिए तो इस होली पे आज हम कुछ स्पेशल, कल हम ठंडाई सीखे हैं तो आज हम बनाते हैं दूसरी स्पेशल आइटम जो सब जगह बनती है। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, लेकिन गुजिया विथ अ ट्विस्ट, क्योंकि नॉर्मल गुजिया मैंने ऑलरेडी दिवाली के टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर करी थी, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट गुजिया। हाँ जी, आप समझ गए ना, गुजिया और उसके अंदर भी चॉकलेट का फ्लेवर। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर जरूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पे ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब हम गुजिया का जो आउटर लेयर है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, ये 1 कप मैदा लिया है मैंने, और इसमें जब हम गुजिया का आटा करेंगे तो हम इसमें 1 टेबलस्पून जितनी सूजी मिलाएंगे। इससे जो हमारा जो आउटर लेयर है वो काफ़ी खस्ता बनता है, मतलब क्रिस्पी बनेगा वो। तो ये एक एडिशनल मैं टिप आपको दे रही हूँ कि कभी भी ये जब आप समोसा बनाते हैं उस टाइम पे भी आप अगर सूजी थोड़ी सी इसमें मिक्स कर देंगे तो इससे जो हमारा आउटर लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी आता है, क्योंकि सूजी है वो एक बाइंडिंग का काम करती है और मॉइस्चर सारा सोख लेती है। इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ थोड़ी सी जब मीठी होती है तो उसमें थोड़ा सा नमक डालने से उसमें अच्छा टेस्ट आता है, जो स्वीटनेस है वो काफ़ी निखर के आता है। और इसके साथ साथ अब हम इसमें मोइन डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना मोइन लिया है, ये देसी घी है फ्रेंड्स, आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो, ऑयल का भी आप दे सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें ये आटे को अच्छे से ये सारा मिक्स कर लेना है ताकि जो ये हमारा मैदा है उसमें सारे में अच्छे से ये जो घी है वो मिक्स हो जाए, और फिर हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल के आटा रेडी करेंगे। हमने बहुत ही धीरे धीरे पानी डालना है, क्योंकि ये मैदा है उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। अगर पानी ज़्यादा डल जाएगा तो हमारा आटा ढीला हो जाएगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसमें जो आटा होता है वो काफ़ी सख्त रहता है, हार्ड रहता है, जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं वैसे वाला आटा चाहिए आउटर लेयर के लिए। तो इसको हाथों से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं हर एक पार्टिकल्स में अच्छे से ये घी की कोटिंग आ गई है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है आपके आउटर लेयर को क्रिस्पी बनाने के लिए। बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धीरे धीरे ये अपना एक डो रेडी करेंगे। इस आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम ये आउटर लेयर का जो ये तैयार करते हैं डो, उसको ज़्यादा, एक तो ये ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, और दूसरा इसको मसलना हमने नहीं है, हम इसको हाथों से, हल्के हाथों से ही ऐसे मिक्स करते हुए इसको कर लेंगे, और इसके बाद इसको हमें रेस्ट देने के लिए भी रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा आटा है वो रेडी हो गया है। इसको हमें ऐसे ही गीले कपड़े से ढक के आधा घंटा रेस्ट करने रख देंगे, और तब तक हम जो हमारा गुजिया की फिलिंग है उसकी तैयारी कर लेते हैं। अब देख लेते हैं फिलिंग के लिए क्या चाहिए होगा इस गुजिया में। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, 200 ग्राम कंडेंस मिल्क लिया है मैंने। उसके साथ साथ लिया है 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, उसके साथ 2 टेबलस्पून नट्स लिए हैं। नट्स में मैंने काजू है और बादाम लिए हैं, आप चाहो तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ली है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ये है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, और ये है हल्का सा इलायची पाउडर, जस्ट टू गिव अ फ्लेवर और थोड़ा सा इसका चॉकलेट को और एनहांस करने के लिए। अभी इसके हम फिलिंग बनाने की स्टार्ट करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले जो ये हमारा रेडी है पैन, जिसको मैंने स्लो आंच पे रख दिया है, उसमें हम ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम्स जितना हमारा कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ पे मिल्कमेड यूज़ किया है, अगर आपके पास मिल्कमेड अवेलेबल नहीं है
तो आप इसमें खोया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खोया को आपने अच्छे से फिर मेल्ट करना पड़ेगा। अब इसी में हम सबसे पहले डालेंगे ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट। आप इसके बदले वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं या चोको चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी में डालेंगे ये कोको पाउडर। फ्रेंड्स, इसमें सबसे मज़ेदार ये है कि इसमें मिल्क मेड में ऑलरेडी चीनी होती है, तो हमें चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐड करने की, और इसी में ये सारा हो जाता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये नारियल का जो बूरा है, डेसिकेटेड कोकोनट, और इसको हमें एकदम मिक्स करते रहना है, एकदम चलाते हुए। ये एकदम गट हो जाएगा तब तक हमें इसको चलाते रहना है। ये मिक्सचर को हमें एकदम ड्राई हो जाए, जैसे हम उसमें भर सके, फीलिंग जैसी हमारी होती है वैसे बन जाए, तब तक हमें ये गैस पे इसको चलाते रहना है। ये 5 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हैं कि ये एकदम सूख गया है। 2 मिनट, ये ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये अभी आप देख सकते हो ये मिक्सचर जो हमारा है एकदम गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो ये हमारे पास चॉप्ड नट्स थे वो, और इसके साथ साथ जो इलायची पाउडर है उसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको हम एकदम ठंडा होने रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम कोशिश करेंगे, हम चलिए एक और स्टफिंग फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, क्योंकि ये स्टफिंग तो रेडी हो गया है। जब तक ये ठंडा होता है जो ट्रेडिशनल स्टफिंग है वो बनाएंगे, लेकिन उसमें भी हम यूज़ करेंगे मिल्क मेड, तो अगेन उसमें भी एक ट्विस्ट है, वो भी काफ़ी क्विक बनने वाला है। इसीलिए चलिए फ्रेंड्स, इसको ठंडा होने देते हैं और हम बनाते हैं दूसरा ट्रेडिशनल स्टफिंग। ट्रेडिशनल गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, यहाँ पे ये है ग्रेटेड कोकोनट जो मेन इंग्रेडिएंट, ये दोनों ही होते हैं। इसके साथ साथ खोया की जगह पे हम यहाँ पे यूज़ करें मिल्क मेड, चॉप्ड नट्स जिसमें आलमंड्स है, बादाम और काजू, और उसके साथ साथ किशमिश। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, जब हम सूजी रोस्ट करेंगे तब थोड़ा सा हम घी लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इसको शुरू करते हैं हम। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी लिया हुआ है, 1 टेबलस्पून घी में ये काम हो जाता है, क्योंकि सूजी को भूनने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा घी डालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और मुंह में हमारे आएगा, तो इसी में हम सूजी को भून लेते हैं घी में। अच्छे से हमें भूनना है सूजी को जब तक ये हल्की सी ब्राउन हो जाए तब तक, और कंटिन्यूस इसको हम चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी लिया है और 200 ग्राम मिल्क मेड है, और साथ साथ इसके साथ मैंने लिया है चॉप नट्स जो 1 टेबलस्पून बादाम एंड 1 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून किशमिश है, और इसके साथ साथ लिया है 150 ग्राम कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट। तो अब हम सूजी को भूनेंगे घी में। 1 मिनट हो गए हैं और अब जो सूजी है मैंने स्लो आंच पे उसको भूना है, तो ये गोल्डन ब्राउन कलर उसका हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमारे चॉप्ड नट्स हैं, और साथ में ये किशमिश भी। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नारियल का बुरादा ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए जब एकदम सूजी हो जाती है उसके बाद ही हम डालते हैं। तो जब सूजी गर्म होती है तो उसी के साथ साथ वो हल्का सा भून जाता है, इससे क्या होता है कि उसका एक जो थोड़ा सा कच्चापन है वो दूर हो जाता है। और अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे हमारा कंडेंस मिल्क। और इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो आप चीनी ऐड कर सकते हो, वैसे मिल्क मेड है, वैसे ये इसमें कंडेंस मिल्क है तो उसकी वजह से उसमें ऑलरेडी शुगर होता है, तो हमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप यहाँ पे पाउडर शुगर डाल सकते हैं इसी स्टेज पर,
दो टेबलस्पून डालने से ठीक हो जाएगा, बट फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको डाल सकते हैं। देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है और ये मेरा मिक्सचर भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क डालने के दो फायदे हैं, एक तो ये क्विक रहता है और दूसरा अगर हम नॉर्मल खोया यूज़ करते हैं तो कई बार उसमें मार्केट में आजकल इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो कंडेंस मिल्क आप यूज़ करके क्वालिटी की झंझट से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि कंडेंस मिल्क डाल के अगर ये गुजिया आप बना के इसको 7-8 दिन तक स्टोर कर देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जबकि जब हम खोया डालते हैं तो हमको गुजिया ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं और उसको तुरंत ही ख़त्म करना पड़ता है। तो बस अब 1 मिनट तक ही इसको हम चलाएंगे और फिर हम गैस ऑफ कर देंगे। ये हमारा गुजिया का ट्रेडिशनल जो स्टफिंग है वो भी रेडी हो गया है। अब हम गुजिया बनाने की शुरुआत करेंगे क्योंकि अब तक हमारा ये चॉकलेट वाला जो हमने बनाया था स्टफिंग वो ठंडा हो गया है और साथ में आधे घंटे में हमारा जो हमने डो को रेस्ट करने के लिए रखा था वो भी सही हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सब इस मिक्सर को ठंडा होने रख देते हैं और हमारी जो चॉकलेट वाली गुजिया है उसको बनाना शुरू करते हैं। ये गुजिया बनाने की शुरुआत करते हैं। तो ये आटा आप देखते हैं, आप देख सकते हो आटा हमारा एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हल्के हाथों से ही थोड़ा सा ऐसे करके अब हम इसमें से छोटे छोटे गोले बना लेंगे और उन छोटे छोटे गोलों से हम पूरी साइज़ की एक बेल लेंगे गोल शेप में। और यहाँ पर मैंने दूध लिया है। दूध हम जब इसमें स्टफिंग भरेंगे तो जो साइडों को पैक करने के लिए चाहिए ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना आए वहाँ पे यूज़ होगा। ये मेरा यहाँ पे स्टफिंग है चॉकलेट वाला, वो भी मैंने ले लिया है। तो अब मैं इसको बनाने की शुरुआत करती हूँ। अब ये इतनी साइज़ का हमने बेल लिया है, हमें इतनी ही साइज़ रखनी है ताकि जो हमारी गुजिया है वो काफ़ी बड़े साइज़ की ना हो, हम मीडियम साइज़ की ही बनाएंगे ताकि अगर किसी को कम खानी हो तो एक खा के वो ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बनाने से फिर प्रॉब्लम होता है। स्टफिंग जो है हमने ज़्यादा नहीं भरना है यहाँ पे, अगर स्टफिंग ज़्यादा भरेंगे तो ये फूटने के चांसेस रहते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जितना स्टफिंग लिया है ये चॉकलेट वाला। और इसको अब मैं हम जो पहले मैं बताऊँगी वो हाथ से बनाने का इसका वो बताने वाली हूँ तरीका। सबसे पहले साइडों पर यहाँ पर हम ये दूध लगा लेंगे ताकि जब हम इसको पैक करेंगे अच्छे से ये चिपक जाए। अब हम ये दूसरी साइड से हल्के से फोल्ड करके इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको दबा के अच्छे से हमें यहाँ से पैक कर देना है। अब हम हल्के हाथों से ये जो है हाथ से ही इसकी किनारी जो ट्रेडिशनली करी जाती है उसको हम ऐसे पैक करेंगे। उंगलियों से होता है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इससे जो किनारी है वो बहुत अच्छी ट्रेडिशनल गुजिया वाली बनती है। इसका क्विक एक तरीका भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस ये हमारी जो एक गुजिया है वो रेडी हो गई है। ऐसे ही हम बाकी की सारी गुजिया रेडी कर लेते हैं। अब देखते हैं कि और क्या इजी तरीका है। ये चॉकलेट की ये जो चॉकलेट हमारा मिक्सर है उसके अच्छे से राउंड बन जाएंगे तो आप उसको भी बना के इजीली इसमें रख के अब हम इसमें इसको स्टफ करते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक फोक की। दूध लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो ये आपकी जो गुजिया है वो खुल जाएगी और फिर आप कहेंगे कि ये तो खुल गई है। अब ये दूसरे तरीके से हम करेंगे। दूसरे तरीके में हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे फोक। पहले ये साइड से थोड़ा निकाल देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा हो रहा है और फिर इतना स्टफिंग खाली रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा ये हमने निकाल दिया। अच्छे से ये पूरा पैक कर देंगे। पहले चिपक गया है ये सारा, अब हम एक फोक की मदद से ये डिज़ाइन बना देंगे ताकि लगेगा कि ये जो
गुजिया का ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन इसके बॉर्डर पे आपका बन जाएगा। अच्छे से फोक को आपने प्रेस करना है। तो ये आपकी हो गई इजी स्टाइल वाली, क्विक वाली डिज़ाइन गुजिया। और ये है जो नॉर्मल है, यहाँ पे तो आप जैसे नॉर्मल अपना एक पूरी बेल लीजिए, इसको इस पर लगा दीजिए और इसके अंदर स्टफिंग कर लीजिए, तो ये रेडीमेड मशीन से आपकी गुजिया एकदम जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी ये सारी गुजिया पहले बना लेती हूँ, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि इसको जब आपकी गुजिया बन जाती है तो गीले कपड़े से ढक दीजिए ताकि ये सूखे नहीं जब तक आप बाकी की बेलते हैं। और या तो फिर दो जने अगर करते हैं तो इसको थोड़ी देर रख के 5-10 से 15 मिनट तक आप इसको एक पेपर पे रख लीजिए और फिर इसको आप फ्राई कर सकते हैं। अब बारी है इन गुजिया को फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपका जो ऑयल हो वो एकदम गर्म हो चुका हो, तभी आप गुजिया उसमें डालें, नहीं तो गुजिया टूट सकती है। अब जब एकदम ये गर्म हो गया है उस टाइम पे हम इसमें गुजिया डालेंगे। ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना है हमने। अब जैसे ये मेरे पास छोटी कढ़ाई है तो मैं एक साथ इसमें दो ही गुजिया डालूँगी, अगर चाहे तो मैं तीन भी डाल सकती हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि दो डालने से ही हो जाएगा। इसको स्लो गैस पे ही हमने होने देना है क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो इसको हमें कम से कम 1 मिनट तक होने देना है, आप देख सकते हो। और बीच में आपने बिल्कुल ही इसको हाथ नहीं लगाना है। जैसे ही ये गुजिया होती है वो थोड़ा थोड़ा फूलती है और इसके ऊपर ऐसे बनने लगते हैं बबल्स, दैट मीन्स कि हमारी जो गुजिया है वो परफेक्ट है। अब हम इसको आप देख सकते हो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको और दूसरी साइड पलट देंगे हम, और दूसरी साइड पे भी ऐसा कलर आने देंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, स्लो आंच पे अगर आपका तेल सही टेम्परेचर पे है। यही है कि तेल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको तेज आंच पे करेंगे तो गुजिया का जो आउटर लेयर है वो क्रिस्पी नहीं होगा, इसीलिए इसको हमने स्लो आंच पे ही करना है। बीच में कहीं पे अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया है तो आप हल्का सा मीडियम आंच पे गैस करके फिर उसको स्लो कर सकते हैं। तो बस ये 2 मिनट में हमारी जो गुजिया है एकदम परफेक्ट कलर गोल्डन ब्राउन आ गया है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। इसको हम निकाल देंगे। इसको सर्व करने के लिए आप नॉर्मली भी इसको सर्व कर सकते हो, या अगर चॉकलेट सॉस बनाना चाहो तो चॉकलेट सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसको सर्व करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को इसे स्टोर करना है, मैं इसको एयरटाइट कंटेनर में भर दूँगी। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये गुजिया को 1 वीक तक कम से कम स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ये यम्मी डिलीशियस गुजिया ज़रूर घर पे बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर एक रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे। टिल देन, हैप्पी कुकिंग, प्लीज़ टेक केयर। होली मनाएं, लेकिन हाँ, मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एंटायर वीडियो। बाय।